Yes, yes! Yes, yes! नमस्कार, आप देख रहे हैं जम्मू क्रॉनिकल और मैं हूँ आपके साथ सोबिल अबरोल। स्टूडेंट्स द्वारा क्लस्टर यूनिवर्सिटी के एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ एक ज़ोरदार प्रदर्शन किया जा रहा है और आपको बता दें कि ये स्टूडेंट्स हैं सिक्स सेमेस्टर के बैचलर डिग्री का कोर्स ये लोग कर रहे हैं और सिलेबस के बीच में ये लोग चाहते हैं कि रिडक्शन हो। और इस समय ये बिल्कुल जो क्लस्टर यूनिवर्सिटी के एडमिनिस्ट्रेशन का जो ऑफिस है उसके बाहर ये स्टूडेंट्स पहुंचे हैं। एक स्टूडेंट है, इनसे बात करने की कोशिश करेंगे। आप लोग प्रदर्शन तो कर रहे हैं और सिलेबस की रिडक्शन की आप लोग मांग कर रहे हैं, रीज़न क्या है, क्यों आप लोग चाहते हैं? सर, सबसे पहले हम ये बताना चाहते हैं कि हमारा जो फिफ्थ सेमेस्टर था, इन्होंने हमको दो चॉइसेस दी थी, ओपन एक थी ऑनलाइन, एक थी ऑफलाइन। इन्होंने ऑनलाइन एग्जाम्स कंडक्ट करने में 1.5 महीना लगाया है। पहले मुझे बताइए कौन सी यूनिवर्सिटी ऑनलाइन एग्जाम्स करने में 1.5 महीना लगाती है। हमारा एकेडमिक सेशन वहीं से वेस्ट हो गया। देन हमारे एकेडमिक सेशन बैठता है जुलाई के मंथ में हमारा सेशन स्टार्ट हुआ है। 1 मंथ इन्होंने लगाया हमारा इंटरनल का सिलेबस खत्म करने में। इंटरनल का सिलेबस करने में कंप्लीट हमें 1 मंथ लगा, दैट वॉज ओनली 1 यूनिट, सिर्फ एक यूनिट कंप्लीट करने में 1 मंथ लगाया है। देन 15 डेज इन्होंने ऑगस्ट के लिए हैं हमारे इंटरनल्स एग्जाम्स कंडक्ट करने में। देन अब आप हमें बताइए 15 दिन पेंडिंग में 4 यूनिट्स कैसे कंप्लीट होंगे? जो एक्सटर्नल एग्जाम है वो कब इन्होंने कंडक्ट करने के लिए? इन्होंने बोला कि हम फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर, जो हमें कॉलेज से टीचर्स बता रहे हैं, फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर में हमारे एग्जाम्स कंडक्ट होंगे। कितने टॉपिक्स जो हैं वो कंप्लीट हो पाए हैं, कितने पेंडिंग? अभी तक 2 यूनिट हमारे पेंडिंग है, कोई भी टीचर ने अभी तक कंप्लीट नहीं किया। इनफैक्ट इनकी मीटिंग हुई थी जब वीसी के साथ और बाकी ऑफिशियल्स के साथ, इन्होंने कहा था कि सिलेबस अभी रहता है, बट उन्होंने हमारे एग्जाम सितंबर फर्स्ट वीक से रखवा दिए, जो कि स्टूडेंट्स के लिए पॉसिबल नहीं है कवर करना, टीचर्स भी नहीं पढ़ा पा रहे। सवाल उठते हैं ना, क्लस्टर यूनिवर्सिटी के एडमिनिस्ट्रेशन के कई सारे पहले भी फेलियर्स रहे हैं, तो आपको लगता है कि एक डिले इसके बीच में रहता है? ये क्लस्टर यूनिवर्सिटी का सबसे बड़ा फेलियर है। हमारे प्रोविंस में 2 यूनिवर्सिटीज है। जम्मू यूनिवर्सिटी का जो टाइम टेबल है वो कैसे स्ट्रीमलाइन हो गया, कैसे उन्होंने अपना सिलेबस, अपना सारा टाइम टेबल ट्रैक पे लाए, उनके एग्जाम्स कंडक्ट हो गए। हमारे यहाँ पे अभी प्रैक्टिकल एक्सटर्नल नहीं हुए, एग्जाम्स अभी दूर की बात है। हम लोगों ने जूट का एंट्रेंस देना है, उसकी प्रिपरेशन के हमारे पास कोई टाइम नहीं है, तो कौन आंसरेबल होगा बच्चों के? यानी कि जूट का जो एंट्रेंस है वो भी अब अपकमिंग है और वो होने वाला है। एंड हमें ये डर है कि हमारे एक्सटर्नल एग्जाम्स के साथ कहीं वो डेट शीट कोइंसाइड ना कर जाए, हमको सबसे बड़ा डर ये है। एंड ये भी उठता है ना कि जूट के एंट्रेंस के लिए जैसे अगर आप एलिजिबल हो जाएंगे, इधर से रिजल्ट आपका डिले हो जाएगा, तो आपको नहीं लगता कि एक मिसमैनेजमेंट है पूरा का पूरा? मैं तो कहती हूँ कि ये क्लस्टर यूनिवर्सिटी का सबसे बड़ा फेलियर है। पहले भी इन्होंने हमारे एग्जाम्स करने में इतना डिले कर दिया था। ऑल ओवर इंडिया अभी बच्चे ग्रेजुएट हो गए हैं, जम्मू कश्मीर का बच्चा अभी तक ग्रेजुएट नहीं है, तो आप बताइए फेलियर नहीं तो क्या है? साफ तौर पर ये जो स्टूडेंट्स हैं, ये सिक्स सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं, इनका जो कहना है वो यही है कि एक तो जो सिलेबस है, सिलेबस के बीच में कुछ थोड़ी हमें छूट दी जाए, क्योंकि हमारा जो कोर्स है वो कंप्लीट नहीं हुआ है, हमारे टॉपिक्स कंप्लीट नहीं हुए हैं, सितंबर के लिए टेंटेटिव डेट शीट आ गई है, हमारा एग्ज़ाम है, ऐसे में कैसे हो पाएगा? JUET की एंट्रेंस एग्ज़ाम है, PG कोर्सेज अगर आपको यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू से अगर परस्यू करने हैं तो उसके लिए आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम है, और ऐसे में एक डिले तो है ही है क्लस्टर यूनिवर्सिटी में, लेकिन ऐसा तो नहीं कहीं उस एंट्रेंस एग्ज़ाम के साथ हमारा जो फाइनल सेमेस्टर के एग्ज़ाम्स हैं उनकी डेट क्लैश कर जाएं, तो एक मिसमैनेजमेंट को लेकर
प्रदर्शन भी किया जा रहा है इन स्टूडेंट्स द्वारा, और ये भी कहा जा रहा है कि हमारे सिलेबस के बीच में कुछ थोड़ी छूट दे दी जाए जिससे हमें कुछ रिलीफ मिल पाए। वीडियो जर्नलिस्ट सोनू कोहली के साथ मैं सोमिल अब्रोल, जम्मू क्रॉनिकल के लिए।